हाँ भाई, क्या चल रहा है? देखो मैं आज यहाँ पे आता, आज मैं यहाँ पे आता, मैं ज्ञानी पे नहीं आता, बट वहां पे मैं आ चुका हूँ, अब यहाँ पे भी आ रहा हूँ। देख रहा कितना कम कर रहा हूँ मैं। He is still so vulgar. हाँ, मुनव्वर क्या कर रहा है? मुनव्वर लास्ट शेफ में आया, आज पहला पार्ट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जब तक तुम देखोगे तब तक तो आ ही चुका होगा। तो उसका प्रोमो आया था भाई साहब, मजे पे मजे लिए, मजे पे मजे। चाहता हूँ कि मुनव्वर मेरा पार्टनर बने, लेकिन निया मुझे कहती है कि उसको तो सब्जी काटनी भी नहीं आती। अरे जिसको जेल इतनी अच्छी काटनी आती है, क्या वो सब्जी नहीं काट सकती? जिम्मी ने शायरी बोल दी आपके लिए, मैं एक शायरी सुना देता हूँ। ये दर्द दीवार दहलीज सब तुम्हारे नाम पे है, कि तुम्हारे होने से साथ मेरे हो जाते मेरे सारे काम है। कि जो पी के आया हूँ आपकी आंखों से, पूछो मत वो नशा, ये सारे मैखाने तो बस यूं ही बदनाम। कृष्णा अभिषेक को ट्रोल कर दिया। और मुनव्वर, जब आपने बिग बॉस में मेहनत नहीं की, यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे आदत है, हमारा मामा नहीं है हमारे पीछे। मजा तो प्रोमो देख के आया तुम्हें, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये शो के अलावा लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है मुनव्वर फारूकी से? कुणाल कामरा सड़ा हुआ है मुनव्वर फारूकी से? मेरे को लगा दोस्त बोलते हैं, मतलब कुणाल कामरा को तो मैं फिर भी सीरियस नहीं लेता, वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। उसको जब से बीजेपी आई है ना, तब से उसका दिमाग ठनका पड़ा है, चढ़ जाती है हमेशा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बेसिकली कुणाल कामरा किसी स्पेस में था, तो वहाँ पर वो कहता कि मैं और मुनव्वर एक स्टेटमेंट में नहीं आने चाहिए, उसका वो ट्राई रहा। बस मेरी पूरी कोशिश यही है कि मेरा और उसका नाम एक सेंटेंस में ना लिया जाए। ठीक है कुणाल भाई, हम दोनों का अलग अलग जॉनर है भाई, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। हाँ, क्रिकेटर भी है, सब हर चीज में बजा के। कॉमेडियन मत बोलो बस। ठीक है मुनव्वर भाई, नहीं कुणाल भाई, ठीक है। नहीं ऐसे पॉडकास्ट में जा रहा है, वैसे भी नहीं आता मुनव्वर फारूकी यार, कुणाल कामरा साथ में वैसे ही नहीं आता कभी। पर यूट्यूब वाले तो तेरे को वैसे भी इज्जत नहीं देते, जब से तूने कैरी का रोस्ट करके हग दिया था पूरा। आओ तुम्हें रोस्ट से खाते मैं कुछ नहीं करता तो मैं रोस्ट बेटर कर देता हूँ फिर से। जो हर जगह रिलेवेंट बना हुआ है, हर जगह तुम्हें दिख रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लोग प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी जगह पे ये है जिसको परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा, मतलब देख रहे दोनों की बेस सेम ही है। शो उसके भी कैंसिल हुए, शो मुनव्वर के भी कैंसिल हुए। मुनव्वर वो अगर शो कैंसिल करने पड़े तो उसने बाकी मीडियम अपनाया, म्यूजिक अपनाया, टीवी शो किया, रियलिटी शो किया। इसने भाई साहब दिल पे ले लिया कि सलमान खान को सॉरी तो बोलूंगा नहीं, मैं तो रियलिटी शो तो नहीं करूंगा, हाँ गाना मेरे से होगा नहीं, चलो पैक बना लेते। वो बंदा मेहनत कर रहा था, कन्या से बात की है। कपिल शर्मा के लिए भी सेम थे कि मैं तो कॉमेडियन मानता नहीं। अरे तू किसी को भी मार यार, मेरे को मत बता, दूर रखो इसको मेरे से, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सुनना ही नहीं मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा सेम स्टेटमेंट में। और इसमें तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्चुअली मुनव्वर को मेहनत करने की जरूरत है कि लोग एक स्टेटमेंट में तुम दोनों का नाम तो नहीं ले, वरना उसकी फेलियर कहलाएगी मुनव्वर फारूकी की। बात तो सही है। फिर अभी कोई एपिसोड आया इंडियंस गॉट टैलेंट का, तो उसमें फिर कोई कंटेस्टेंट आया, फिर मुनव्वर पे जोक मार दिया समय रैना ने। समय रैना ने जोक्स मारे, मुनव्वर के जो ऑडियंस है वो गुस्सा हो गई। अरे ये क्या बात है, तू हर बार घुस जाता है। ये बढ़िया लगा, एक फूल गिरा रेडी था दूसरा। मुनव्वर वाले यार करते हैं। योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमिक मुनव्वर? नाइस, वो गुलाब सही समझ गया था भाई मैं, वो छह गुलाब लेके घूम रहा है आदमी। मेरी बहन आई हुई है, उसने झूठ बोला है। बहन है ना वो पक्का? या ज्यादा मुनव्वर का फैन तो नहीं आप? बहुत सारे मुनव्वर के फैंस जो है वो ऑफेंड होगा कि अरे तू दोस्त था, ये क्यों करता है, मतलब ये सही है मुनव्वर का नाम ले लो, वायरल तो हो जाएगी। मैं क्या, देखो इस पर मैं कुछ बोलता नहीं, उन दोनों की दोस्ती है, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में जोक चलता है, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, जोक्स। मेरे को तो अभी भी फनी वो जेल वाला ही लगा था कि मुनव्वर मेरे घर पे आया था, वो जमीन पे सो रहा था। कुछ लोग इस पर फिर शुरू हो गए, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समवेयर एंड अ ह्यूमन। मैं अगर ह्यूमन के नाम पे ये सब चल रहा है ना, डार्क डार्क, इतना डार्क कि अफ्रीका वाले भी काला बोलना शुरू कर दे कि काला है, तो मेरे को नहीं देखना कुछ भी। अरे आजकल मैं इतना चिल हो रखा हूँ ना कि मैं सिर्फ पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अब कुछ टॉक्सिक चीज में जाता ही नहीं। देखो अभी इसराइल ईरान चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, अदनान की बहन आके उसको फुली एक्सपोज कर रही है, कानून से इंसाफ मांगे नहीं, इंटरव्यू दे रही है वो, इंटरव्यू भाई सीरियस एलिगेशन लगा रही है। हाँ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, मैं इसमें क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं,
अब ये सीरियस हो गया भाई, अभी पुलिस वाला काम है इसमें, सोशल मीडिया पे या इंटरव्यू मेरे को सेंस नहीं बना। आपने एक बार बोल दिया उसने गलत किया है हमारे साथ, उसके बाद ये कांड हुआ, आपको पीटा गया, आपके ससुर को पीटा गया, आपने कंप्लेन कर दी, बात खत्म थी, पुलिस एक्शन लेगी, तुम्हारे पास सबूत है, तुम इंटरव्यू में दिखा रहे हो, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता। सोशल मीडिया पे इंसाफ तो मिलने से रहा, हाँ अगर तुम चाहते हो बदनामी देखना या बदनाम करना तो अलग सेंस है। हाँ अभी बहुत सारे हो रहे हैं हिपोक्रेट, लास्ट टाइम तो कुछ और ही वो पहली बार था, और पहली बार के बाद उसने कंप्लेन कर दी, मेरा काम खत्म हो गया भाई, उसके बाद वो पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना क्या सच है क्या नहीं है। माइंडसेट मैंने पहले भी बोला है, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे अदनान बंदा पसंद ही नहीं है, माइंडसेट तो छोड़ दो, उसकी हरकतें देख के मुझे बेवकूफ़ लगता है वो, पर वो थोड़ा वो क्या कहते उसे प्रेसिव क्या कहते उसे यार, वो जो नीची सोच रखते हैं, अरे पुरानी सोच वाले, मैं उन सब में हूँ ही नहीं, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, गांजा फूका और आसमान पहुँच चुका हूँ मैं, मैं तो अभी भी शर्लिन चोपड़ा के दोस्तों से मिलना चाहता हूँ बस, अलग में ही हूँ मैं। अरे सच में कॉमेडी शो देखो FIR टाइप का, या भाभी जी घर पे है, या और कौन से आते हैं, तुम्हारा फेवरेट टीवी शो कौन सा अभी जो फैमिली फ्रेंडली है? मैं नहीं बताऊंगा। रीसेंटली ना एक चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व करी थी, अब की जो टाइम है, अब के जो लोग हैं, जो काइंड ऑफ जितना ब्रेन वॉश कर दिया गया है डिजिटलाइजेशन के बाद, या मोबाइल फोन या इंटरनेट सस्ता होने के बाद, उनमें ना लोगों को गुस्सा ही रह रहे हैं, उनमें उनको हमेशा मतलब उनके अंदर रेज भरा पड़ा है, उनको दूसरे की गलती दिखेगी, वो कभी गलत नहीं। तो ऐसे में ना किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे बोलो मैं गलत, तुम मुझे बोलो मैं सही, क्योंकि सबका नजरिया एक ही है, मैं सही तुम गलत, तुम कॉकरोच मारो तुम हीरो है, कॉकरोच मार दिया है, कॉकरोच से तो गेंद मस्ती है, तितली मारो तुम विलन, अरे कितने खूबसूरत चीज भी मार ली तुमने, तो सबका अपना पर्सपेक्टिव चल रहा है भाई, जिसको जो देखना वो वही देख रहा है, सही गलत का सवाल ही नहीं बनता। मर्डर तो दोनों थे, चाहे वो तितली थी चाहे वो कॉकरोच था, अब तुम्हारे मोरल पे कोई हीरो बनेगा कोई विलन बनेगा साबित करने की जरूरत नहीं, अपना काम बनाओ आप एंजॉय मारो बस, मजा नहीं लाइफ में। इसलिए बोल रहा था कि ये ऐसे जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया ना, जहाँ पे सिर्फ नफरत है, इंसान और इंसानियत की बात कोई नहीं कर रहा, प्यार मोहब्बत की बात कोई नहीं कर रहा, इनसे दूरी रहो। वरना ईरान इसराइल वाली बात पे मेरे को एक महान व्यक्ति मिला, बहुत अच्छा इंसान है, उसकी बात सुनोगे तो तुम गाली दे देना, मैं तो चिल मोड में FIR देख रहा हूं, मजे ले रहा है। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इसराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंच कर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय, जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इसराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूंस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चाइनीज, इंडियन, हिंदूज, 6.5 billion पीपल आर आइडल वर्शिपर्स दैट अकॉर्डिंग टू द टोरा do not have the right to live. Idol worshiper goy, death penalty. हाँ तो मैं ये सब देखता नहीं, मैं avoid करता हूँ, ये मुझे funny लगा इसलिए रखा मैंने, वरना मैं mostly देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और मैं इसका video बनाने वाला हूँ, pranks that I like. तो बाकी आजकल यहाँ पे इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे कल, ये सब लाइक कर।